राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि सनी देओल और बॉबी देओल का आइकॉनिक देओल कॉम्बो एक वक्त पे करण अर्जुन बनने वाले थे, लेकिन सनी बाजी ने फिल्म को छोड़ दिया और इसकी वजह आपको इमोशनल कर देगी। चलिए इस भाई के प्यार वाली कहानी को डिटेल में जानते हैं। जब राकेश रोशन ने करण अर्जुन का कॉन्सेप्ट सोचा, तब इसका नाम कायनात था और ये री इंकरनेशन ड्रामा एक असली सिबलिंग डियो को कास्ट करने के लिए लिखा गया था। उन्होंने अप्रोच किया सनी देओल और बॉबी देओल को, रियल लाइफ देओल ब्रदर्स जो रियल लाइफ करण अर्जुन बन सकते थे। सनी देओल ने करण अर्जुन का एक रोल एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन एक ट्विस्ट था। राकेश रोशन चाहते थे कि बॉबी देओल उनका दूसरा भाई बने। ये रियल लाइफ पेयरिंग, रियल लाइफ कनेक्शन की वजह से मूवी का हाइप बढ़ाने वाली थी। सनी बाजी को लगा कि अगर बॉबी इस फिल्म में काम करेगा तो उनकी नई नई करियर जो बरसात से स्टार्ट हो रही थी, इम्पैक्ट हो सकती है। सनी देओल ने कहा कि वो करण अर्जुन किसी और के साथ करेंगे, लेकिन बॉबी के साथ नहीं। रीजन, वो नहीं चाहते थे कि बॉबी का फोकस एक मल्टी हीरो प्रोजेक्ट में डाइवर्ट हो जाए। राकेश रोशन की विजन बॉबी और सनी के साथ कंप्लीट नहीं हो पाई। सनी बाजी ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया और स्टोरी का टाइटल कायनात से करण अर्जुन बन गया। इसके बाद सलमान और शाहरुख खान ने रोल्स ले लिया और बाकी तो हिस्ट्री है। अब करण अर्जुन थिएटर्स में दोबारा रिलीज हो रही है 22 नवंबर को। शायद ये वीडियो आते आते आप ये मूवी भी देख लो और पुरानी कहानियां एक नई एक्साइटमेंट ला रही है। एक सोचिए, अगर सनी और बॉबी होते तो मूवी कैसे होती। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सनी और बॉबी की केमिस्ट्री करण अर्जुन को एक अलग लेवल पे ले जा सकती थी? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और ऐसे ही बॉलीवुड की अनसीन कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।